हेगा वेलकम बैक टू दी चैनल सुपर सोनिक कैसे हैं आप सभी होप्स so, आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ टॉप टेन ट्रेन एक्सीडेंट इन इंडिया हम सारे ही एक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे कैसे ही एक्सीडेंट हुए किसकी वजह से हुए और क्या इन एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता था सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे ट्रेन जो है भाई वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल में आती है चाहे आपको लगेज लेकर के जाना हो कोल माइनिंग से लेकर के जाना हो या फिर अगर आप लोगों को ट्रैवल ही क्यों ना करना हो और आपने भी काफ़ी बार ट्रेन का सफ़र तो किया ही किया होगा जब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती हैं और जब बात आती है गाँव जाने की तो ट्रेन ही एक ऐसा सहारा है जो कि एक प्लेटफॉर्म से लेकर के दूसरे स्टेशन तक लेकर के जाता है तो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप अपनी नानी या दादी के घर जाते हैं तो किस ट्रेन में जाते हैं उसका नाम जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर वन एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं जो कि होता है कानपुर में 21 अप्रैल को ये एक्सीडेंट होता है गाड़ी नंबर 12303 पूर्वा एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से न्यू दिल्ली की तरफ जा रही होती है लगभग रात के साढ़े बारह बज होते हैं जब ट्रेन के अंदर सभी लोग मोस्टली सो रहे होते हैं और एकदम से आती है एक भयानक सी आवाज़ जी हाँ दोस्तों उसके बाद पूर्वा एक्सप्रेस के लगभग बारह कोचेज़ जो हैं वो डीरेल हो जाते हैं आठ लोगों की डेथ हो जाती है और बीस से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं इस एक्सीडेंट में इस एक्सीडेंट के बाद जो इसके केस स्टडी करी जाती है तो पता लगता है कि जो ये एक्सीडेंट होता है रेलवे ट्रैक की कपलिंग टूट जाने की वजह से ये एक्सीडेंट होता है ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयानक था कि आप लोग पूर्वा एक्सप्रेस के भाई कोचिज़ देख सकते हो कुछ बाहर की तरफ गिरे हुए हैं कुछ पलट गए हैं कुछ डीरेल हो गए हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ और कितनी ज़्यादा हाई स्पीड में रही होगी ट्रेन कि इतना बुरा हाल हुआ है आपको भी नॉर्मल पता होगा दिन के मुख्य रात में ज्यादा ट्रेनों को फास्ट चलाया जाता है अब इसका रीज़न तो मुझे नहीं मालूम मे भी शायद ट्रैक ज्यादा खाली मिलता होगा या फिर विजिबिलिटी ज्यादा मिलती होगी या फिर जो भी चीज़ें आप लोगों को अगर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट नंबर टू ये एक्सीडेंट अभी हाल ही में हुआ है तीन जनवरी दो में जो कि वेस्ट बंगाल में हुआ है बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस का यह एक्सीडेंट हो जाता है जो कि शाम के पांच बजे होता है सभी पैसेंजर ट्रेन में बैठे रहते हैं और एकदम से वो ऐसा महसूस करते हैं कि ट्रेन को एकदम से किसी चीज़ ने रोकने की कोशिश करी है और और उसी के जस्ट बाद लगभग चार से पाँच कोचेज जो हैं वो डी हो जाते हैं टोटल मिला करके बारह कोचेज थे जो कि प्रभावित हुए थे इस एक्सीडेंट में ये एक्सीडेंट होता है जलपाईगुड़ी के पास में जिसमें लगभग ग्यारह से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है और उस लोग से भी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं यहाँ पर अगर आप लोग कोचेज को देख रहे हो तो इससे खुद ही अंदाजा पता चल रहा होगा कि ट्रेन की स्पीड कितनी ज़्यादा रही होती है कुछ कोचेज तो आपस में ही एक दूसरे में घुस गए हैं और ये एक्सीडेंट का जो मेन रीजन रहता है वो काफी ज्यादा लापरवाही की वजह से होता है इस ट्रेन का जो है ट्रैक्शन मोटर रहता है वही टूट के गिर जाता है जो कि लोग बताते हैं कि इम्पॉसिबल है इसका टूटना ये इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं टूटता मोटर के टूटते ही बहुत जोर से आवाज आती है जो ट्रेन का ड्राइवर रहता है वो इमरजेंसी ब्रेक लेता है और उसी की वजह से ये ये सारा सारा का एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाता है थ्री, ये है नेक्स्ट नंबर होता मुंबई में ट्वेंटी अगस्त को मुंबई डोरंतो एक्सप्रेस का ये एक्सीडेंट होता है जो की नागपुर से मुंबई आ रही होती है ये एक्सीडेंट मॉर्निंग में साढ़े बजे के आस में होता है जिसमें नाइन कोचेस जो है वो डीरेल हो जाते हैं और इंजन जो है इस ट्रेन का वो पलट जाता है ये एक्सीडेंट का जो रीजन रहता है वो लाइन स्लाइड रहता है इस के एक्सीडेंट होने से पहले मुंबई में काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा नरम हो जाती है जिसकी वजह से वो फिसल के पूरा का पूरा ट्रैक पे आ जाती है अब आप सोच रहे हो ट्रेन ड्राइवर ने कुछ क्यों नहीं किया ट्रेन ड्राइवर को पहले से ही दिख जाता है कि लैंड हुई होती है बट ट्रेन जो रहती है वो काफी ज्यादा हाई स्पीड में रहती है वो एमरजेंसी ब्रेक लगाता भी है डिस्टेंस नहीं रहता ट्रेन को रुकने के लिए और उसके बाद जो ट्रेन है वो डी हो जाती है खैर इस एक्सीडेंट के अंदर किसी की भी कोई डेथ नहीं होती सिर्फ कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट नंबर फोर ये एक्सीडेंट होता है मुजफ्फर नगर में जहाँ पर ट्रेन नंबर वन एट फोर डबल सेवन उत्कल एक्सप्रेस जो की, पूरी, की पूरी हरिद्वार है उछल तो करके एक घर के ऊपर तक जाके गिर जाता है इस एक्सीडेंट में बाईस लोगों की डेथ हो जाती है और लगभग एक से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं ये एक्सीडेंट शाम के साढ़े बजे के आसपास में होता है इस ट्रेन एक्सीडेंट में जो गलती रहती है वो सारे के सारे जो रेलवे स रहते हैं उनकी गलती रहती है जिस ट्रेन से उत्कल एक्सप्रेस को गुजरना था वहां पर पिछले दो तीन दिन से काम चल रहा होता है मतलब ट्रैक का, का काम आप भी जानते हो कि काफी बार काम चलता ही रहता है कहीं पर कोई ट्रैक टूट जाता है या फिर उसे सही करना है या रिपेयर करने का काम तो यहाँ पर भी यही चीज चल रहा होता है जो मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है और जिस ट्रैक से उत्कल एक्सप्रेस को गुजरना था वहां पर किसी ने भी कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया था या फिर स्पीड भी कोई किसी ने कम नहीं करी थी कि कितनी स्पीड से इस ट्रेन को गुजरना है जिस ट्रैक के ऊपर इस गाड़ी को 15 से 20 की स्पीड से गुजरना था उस पर उत्कल एक्सप्रेस लगभग 100 प्लस की स्पीड

उत्तर ब्रंग एक्सप्रेस को आना होता है बट यहाँ पर होता क्या है जैसे ही जैसे ही प्लेटफॉर्म पे विनांचल एक्सप्रेस अपने रास्ते के लिए निकलती है पीछे से एक जोरदार धमाका होता है जी हाँ दोस्तों ये वही ट्रेन रहती है जो कि पीछे से काफी ज्यादा स्पीड में आ रही होती है और इसे इस प्लेटफॉर्म पे रुकना होता है मैं बात कर रहा हूं उत्तर ब्रंग एक्सप्रेस की जो कि विनाचल एक्सप्रेस को पीछे से हिट कर देती है लगभग हंड्रेड की स्पीड पे यह एक्सीडेंट होता है और एक बहुत जोरदार धमाका होता है ये ट्रेने एक दूसरे को हिट करती है एक बहुत ज्यादा तेज धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म फम पे काफी ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है इस एक्सीडेंट में लगभग डेढ़ सौ से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और ढाई सौ से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं जो विनांचल एक्सप्रेस है उसके तीन कोचेज तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मतलब फट जाते हैं और एक कोच जो इतना बुरी तरीके से ब्रिज के ऊपर जा के बिखर जाता है उसमें से लोगों को भी निकालना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते विनांचल एक्सप्रेस के गार्ड की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और जो उत्तरबंग एक्सप्रेस रहती है उसके दोनों ही ड्राइवर्स की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट आज तक इस ट्रेन के एक्सीडेंट का कुछ भी

ट्रेन से गुजरती है जो है वो ब्लास्ट करता है ट्रैक जो है वो फट जाता है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो जाता है। बट यहीं तक कुछ नहीं जैसे ही एक्सीडेंट रात के डेढ़ के पांच या दस मिनट बाद एक और दूसरे ट्रैक से गुड़ ट्रेन आ रही होती है स्पीड में रहती है, वो और भी के पांच को हिट करती है और उसके बाद वो भी डीरेल हो जाती है और एक्सीडेंट का मंजर आप लोग देख करके सोच भी नहीं सकते कितना बुरा होगा एक्सीडेंट होता है दो जनवरी को जहां पर दो ट्रेनें आपस में हिट हो जाती हैं ट्रेन नंबर वन टू फाइव फाइव सिक्स भिवानी गोरखपुर एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर वन टू फोर वन सेवन जो कि प्रयागराज एक्सप्रेस होती हैं जो कि एक दूसरे में हिट हो जाती हैं ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली exactly होता है पंकी रेलवे स्टेशन के पास में जहां पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी रहती है गोरखपुर एक्सप्रेस जो कि प्रयागराज एक्सप्रेस को हिट कर देती है पीछे से इस एक्सीडेंट में लगभग लग 10 लग लोगों की डेथ हो जाती है और 45 लोगों से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं जो पीछे रीजन बताया जाता है, वो बताया जाता जाता है है वो फॉग लो विजिबिलिटी की वजह से ये एक्सीडेंट हो जाता है भिवानी गोरखपुर एक्सप्रेस का जो ड्राइवर रहता है वो सामने वाली ट्रेन को देख ही नहीं पाता है क्योंकि इतनी ज्यादा विजिबिलिटी कम रहती है पता लगता है की इसी ट्रैक पे एक और ट्रेन है जब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है इस ट्रेन

एक्सीडेंट है जो कि इटावा के पास में ही होता है सेकंड जनवरी को आठ बज के पंद्रह मिनट हो रहे होते हैं आनंद विहार से सीतामढ़ी जाने वाली गाड़ी नंबर वन फोर डबल जीरो सिक्स लिचवी एक्सप्रेस और नई दिल्ली से इस्लामपुर जाने वाली गाड़ी नंबर वन टू फोर जीरो टू मगध एक्सप्रेस में ये एक्सीडेंट हो जाता है खैर ये एक्सीडेंट उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं रहता जितना आप लोगों ने बाकी एक्सीडेंट्स देखे हैं फॉक की वजह से ये एक्सीडेंट भी होता है लिचवी एक्सप्रेस के जो ड्राइवर रहते हैं वो सामने खड़ी मगध एक्सप्रेस को देख नहीं पाते मगध एक्सप्रेस उसी लाइन पर खड़ी रहती है जिसपे लिचवी एक्सप्रेस पीछे से आ रही होती है और वो दोनों ट्रेन आपस में हिट हो जाती है मगध एक्सप्रेस रहती है वो पूरी तरीके से ट्रैक पे खड़ी रहती है और जो लिचवी एक्सप्रेस है वो पीछे से आ रही होती है बट वो उतनी ज्यादा स्पीड में नहीं रहती मुश्किल से पचास या साठ की स्पीड में रहती है और मगध एक्सप्रेस को पीछे से हिट कर देती है खैर इस एक्सीडेंट में किसी की भी जान नहीं जाती कोई भी इंजर्ड नहीं होता सिर्फ लिचवी एक्सप्रेस के ड्राइवर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही थोड़ी बहुत सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही थोड़ी बहुत चोट आ जाती है नेक्स्ट नंबर टेन एक्सीडेंट ये एक्सीडेंट होता है कर्नाटका में अमरावती एक्सप्रेस का ये एक्सीडेंट होता है जो कि अठारह को होता है एक अनमेड क्रॉसिंग से एक रोड रोलर जो की क्रॉस कर रहा होता है उन्हें आती हुई ट्रेन को वो देख नहीं पाता काफी हाई स्पीड में जो अमरावती एक्सप्रेस रहती है वो रोड रोलर को हिट करती है अमरावती के दोनों ही इंजन पांच पैसेंजर के कोचेज और तीन पार्शल कोचेज डी रेल हो जाते हैं इस एक्सीडेंट के अंदर ये एक्सीडेंट होने का जो मेन रीजन रहता है वो रोड रोलर जो है वो ट्रैक पे चला जाता है और उसका एक महीना जो है वो ट्रेन के अंदर ही फंस जाता है जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट ट्रेन है भाई वो डी हो जाती है रोड रोलर ड्राइवर रहता है उसके हेड पे भी काफी ज्यादा इंजरीज आती है इस एक्सीडेंट में लगभग अड़तालीस से भी ज्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं बाकी किसी की नहीं होती, पर रहता है उसको थोड़ा मेजर सी चोटे भी आ जाती है एक्सीडेंट का जो रीजन था भाई वो रोड रोलर मतलब बिना देखे आप अगर कभी भी आप चाहे गाड़ी में हो बाइक पे हो या फिर नॉर्मली अगर आप रोड ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं तो आप एक बार जरूर देखा करो कि कोई ट्रेन आ तो नहीं रही क्योंकि ट्रेन इतनी जल्दी आ जाती है जितनी जल्दी आप सोच भी नहीं सकते तो यही था आज का वीडियो होप्स आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझने को मिली हो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में और अगर आप लोगों को पार्ट टू चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं आप लोगों के लिए पार्ट टू भी ला दूंगा